कांग्रेस नेताओं द्वारा सावेर के मगरखेड़ा गांव में शनिवार को शिवलिंग वितरित किए गए। इस दौरान जहां हर हर महादेव घर घर महादेव का जय उद्घोष हुआ, वहीं शिवलिंग को सिर पर लगाकर ग्रामीणों ने स्वीकार किया। आपको बताना चाहेंगे कि आगामी समय में 21 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने को है। इसी कड़ी में सावेर में भी उपचुनाव होना है। इसी कड़ी में सावेर क्षेत्र के मगरखेड़ा गांव में अजब नजारा देखने को मिला। हिंदू मुस्लिम एकता इस गांव में दिखाई दी, जहां शिवलिंग वितरण आयोजन के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने भी सभी का स्वागत किया और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। इस दौरान अमित झूपे, अजय चौकसे, प्रकाश वर्मा, राहुल सेन, पिंटू चौहान, जितेंद्र परिहार, आकाश वरे, पप्पू चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं आयोजन के दौरान दिलावर पटेल, हाजी अहमद नूर पटेल, पेपर पटेल, हैदर पटेल, पप्पू पटेल, अरावली पटेल, अंजुम पटेल ने सभी का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्ट इंडिया न्यूज, सावेर। क्या आयोजन है आज यहाँ पर? हर हर महादेव घर घर महादेव, आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी पूर्व सांसद के आदेश अनुसार पूरे सांगर विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से अभी माहौल चल गया है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार सावन का त्यौहार चल गया है, उसी के अंतर्गत गुड्डू भाई के मन में ये बात आई कि क्यों ना हम पूरे सांगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर हर महादेव घर घर महादेव का कार्यक्रम करें और प्रत्येक घर के अंदर शिव जी की प्रतिमा वहाँ पर जाए और ये पूरा सावेर के जितने भी पूरे गांव हैं वहाँ पे सभी को हम भाई प्रेमचंद गुड्डू जी की तरफ से हर एक कार्यकर्ता हर गांव में जा रहा है और प्रत्येक घर के अंदर शिव जी की अष्ट धातु की प्रतिमा और शिव जी का जो पिंड आता है वो हम हर घर में दे रहे हैं, ताकि माता बहनें जो अभी पूजा पाठ कर रही हैं वो भी हमारे शिव जी को अंदर शिव जी अंदर विराजमान रहते हैं और शिव जी की पूजा पाठ करें। उसके बाद में हम पूजा पाठ के साथ इन शिव जी की पिंड के साथ में पूजा पाठ का सामान भी दे रहे हैं और उसके बाद में अभी ये समापन के बाद समापन होगा जब उस टाइम पे एक शिव जी का जो महाकाल से प्रसाद आएगा 2.5 किलो का लड्डू रहेगा वो भी हम प्रत्येक घर में यहाँ पर देंगे।